दोस्तों तैयार हो जाओ, टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती आ गई है। नवंबर दिसंबर में ये भर्ती कंफर्म है और 10 तारीख के लगभग इसका जो पूरा नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा, पता चल जाएगा कौन से जोन की भर्ती कब है और आपके स्टेट की कौन सी जगह भर्ती है, कौन सी रेजिमेंट में आपको भर्ती के लिए जाना है। आपके बहुत से सवाल हैं। सबसे पहले देखिए, नंबर एक पे आपका डाउट है कि इसके अंदर क्वालिफिकेशन क्या मांगा जाएगा। इसमें ट्रेड्समैन के लिए 8वीं पास और जीडी के लिए 10वीं पास। आप 8वीं पास हो 10वीं पास हो तो इसके अंदर भर्ती देख सकते हो, लेकिन अगर आप ट्रेड्समैन में देखना चाहते हो भर्ती 8वीं पास पे, तो आपको TC ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा और आपने जो 8वीं क्लास पास किया है वो स्कूल से एक सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा कि इसने 8वीं यहाँ से की है, क्योंकि 8वीं बोर्ड की नहीं होती। उसके बाद NOIS अगर आपने ओपन स्कूल से किया है तो वहाँ से आपने इसको वेरीफाई कराना पड़ेगा, जो 10वीं की मार्कशीट है उसको वेरीफाई कराना पड़ेगा, आप उससे भी भर्ती देख सकते हो। इसके अंदर आपका हाइट रहेगा 160 सेंटीमीटर, रनिंग रहेगा 1600 मीटर, टाइम मिलेगा आपको लगभग 5 मिनट, इससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं मिलेगा, और 400 लड़कों के करीब आपको दौड़ाया जाएगा। तो जो कैंडिडेट 5 मिनट के अंदर आते हैं भैया, वही इस भर्ती में जाना, ज़्यादा वहाँ जाके भीड़ मत बढ़ाना। बहुत से कैंडिडेट का सवाल है कि सर हम शादीशुदा है, हम भर्ती देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हो भैया। अगर आपकी उम्र 21 साल से कम है तो आपको एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा सरपंच द्वारा बनवा के कि मैं अनमैरिड हूँ, शादीशुदा नहीं हूँ। अगर आपकी उम्र 21 साल से ज़्यादा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप शादी कर सकते हो, शादीशुदा देख सकते हो, क्योंकि 21 साल से कम उम्र का हमारे हिंदुस्तान में शादी करना गैर कानूनी है, इसलिए वो सर्टिफिकेट देना पड़ता है। इसके अंदर पहले आपका होगा फिजिकल, उसके बाद आपका होगा रिटन। पहले फिजिकल होगा, बहुत से कैंडिडेट को डाउट है पहले इसमें क्या होगा। कोई भी ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरा जाएगा, आपको डायरेक्ट भर्ती में जाना है, आपको बता दिया जाएगा, नोटिफिकेशन में क्लियर हो जाएगा आपको कहां पर भर्ती देखने के लिए जाना है। और भी आपके जो सवाल है आप कमेंट्स में लिख देना, हम उनको क्लियर कर देंगे, पूरी पूरी जानकारी हम देते रहते हैं। लेकिन कोई ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई नहीं किया जाएगा, 10वीं पास से वैकेंसियाँ कितनी है ये अभी कोई क्लियर नहीं हुआ है। अभी आप कहीं के भी रहने वाले हो, किसी भी स्टेट के हो, चारों जोन की भर्ती आएगी। आप हिंदुस्तान में कहीं के भी रहने वाले हो, किसी भी स्टेट के हो, आपको भी भर्ती में जाने का मौका मिलेगा। लेकिन कौन से स्टेट में, कौन से जोन में हो आप, ये नोटिफिकेशन आपके बाद क्लियर होगा। अभी 2 और 4 जोन की भर्ती का नोटिफिकेशन तो आ गया है, लेकिन वो लग रहा है फेक, ये कुछ कन्फर्म नहीं है। तो दोस्तों बहुत जल्दी इसका फाइनल नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप ये भर्तियां देख सकते हो। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट ये, किसी के चक्कर में मत पड़ना, कोई आपको फिजिकल, कोई आपको मेडिकल, कोई आपका रिटर्न क्लियर नहीं करा सकता। आपके अंदर दम है तो आप इस भर्ती में जाइए, लेकिन अगर आप सोचते हो कोई आपका जुगाड़ लग जाएगा, ये वो, ऐसा कुछ नहीं, ये एक परमानेंट भर्ती है, कोई अग्निवीर की भर्ती नहीं है, परमानेंट भर्ती है। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स कर देना, हम उसका अगली वीडियो में आपको पूरी पूरी जानकारी दे देंगे। देखिए ये आपका जोन है, आप देख लिए कौन से जोन में आते हो, आप अपने जोन के हिसाब से भर्ती देख सकते हो।